हमारे 18th लेक्चर में हमने जो आपको प्रीवियस लेक्चर में जो बताया था कि कांस्टेंट कोफिशिएंट की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, तो उसमें मैंने यहाँ लिखा है रूल्स टू सॉल्व द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली इक्वेशन, जिसका कि मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था। अगर एन ऑर्डर के आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है जहाँ पर a0, a1, a2 अप टू an सारे सारे n आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो इस टाइप की जो इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है वो आपके पास कहलाती है अचर गुणांकों वाली अवकल समीकरण। तो सबसे पहले इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो राइट द इक्वेशन इन द सिंबॉलिक फॉर्म। मैंने सिंबॉलिक फॉर्म बताया था कि a0 dn मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था dn इक्वल्स टू d/d(x). तो यहाँ पर जब मैं dn लिखूँगा तो ये dn और यहाँ y मैंने x शुरू में भार ले लिया है, ठीक है। और फिर मैंने कहा था कि राइट दी ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, ये जो अंदर वाला पार्ट है उसमें इसको इक्वल टू जीरो कर देते हैं, क्योंकि वाई तो हम कोई सॉल्यूशन मानेंगे तो वो जीरो नहीं होगा, तो हमने इसको मानते हैं इक्वल टू जीरो। और यहाँ जो अब डी और डी एन आएगा उसे ट्रीटेड एज ए एल्जेब्रिक क्वान्टिटी हम इसे यूज़ करेंगे, ठीक है। एल्जेब्रिक क्वान्टिटी के हिसाब से इसको हम ऑपरेट करेंगे और उसके बाद हम इसके रूट्स निकालेंगे। तो फ्रॉम दी रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन, जो अब हमारे पास डी के यहाँ एन मान आएंगे, यहाँ पर एन रूट्स आएंगे क्योंकि मैं इसको कह रहा हूँ एल्जेब्रिक हम मानेंगे तो इसके एन रूट्स आएंगे। तो अब रूट्स के नेचर आपके पास कैसे होंगे, तो देखिए रूट्स के नेचर आपके पास हो सकते हैं। पहला मैंने लिखा है वन रियल रूट का मतलब है m1 हमारे पास पहला रूट आ गया। तो हमारे पास cs जो लिखते हैं हम वो लिखते हैं c1e^m1 जो भी आएगा वो यहाँ रख दूंगा मैं e^m1। सपोज कीजिए m1 की वैल्यू आ रही है 2, तो c1e^2x इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर कहता है टू रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी दो मेरे पास वास्तविक है लेकिन दोनों ही भिन्न है, यानी m1 और m2 दो अलग अलग मान है, m1 1 है और m2 2 है, तो ये हो जाएगा c1e^x + c2e^2x। फिर हम अगर और टाइप की अगर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसमें जैसे ये लिखता है टू रियल एंड इक्वल और बचे हुए सारे सारे अनइक्वल हो, सपोज कीजिए अगर टू रियल की बात कर रहा है और इक्वल है तो c1 + c2x e^2, ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, यहाँ टेबल फॉर्म में बता रहा हूँ मैं आपको। और अगर 3 है तो हम लिख देंगे c1 + c2x + c3x2e^m1x, यानी m1 अब मेरे के पास क्या है, ये तीनों के तीनों इक्वल हो गए, तो मैंने इसको मान लिया m1, यानी तीन रूट्स इक्वल आ गए 2, 2, 2, 2, तो ये हो जाएगा c1 + c2x + c3x2e^2x, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बताया था अगर ये सपोज कीजिए रियल के अलावा कोई रूट्स आता है तो रियल के अलावा क्या आ सकता है, इमेजिनरी आ सकता है, तो इमेजिनरी रूट्स में हमने लिखा था पेयर में आएगा वो α+iβ। वन पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट अगर होता है तो उसका सी एस लिखने का तरीका, ये देखिए सी एस का तरीका लिख रहा हूँ, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सी एस क्या हो जाएगा, तो ये सी एस का जो पार्ट होगा वो आपके पास हो जाएगा y = e^αx + c1 cos βx, जो भी यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आएगी, अल्फ़ा बीटा जो है वो रियल ही आएंगे, तो α(x)(c1cos βx + c2sin βx। अगर वो कहता है टू पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट्स एंड बोथ आर इक्वल, तो हम उसको किस टाइप से लिखेंगे, y = e^αx c1 + c2x, जो मैं यहाँ लिख रहा था ना वही मैं यहाँ लिख रहा हूँ cos βx + ये, इस टाइप से हम इसके सॉल्यूशंस को लिखेंगे। अब इसको समझने के लिए हमको कुछ एग्जांपल्स के हिसाब से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, तो मैं कुछ यहाँ एग्जांपल्स आपको बताता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले हमको इक्वेशन को सिंबॉलिक फॉर्म में रखना है, फिर उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन को निकालना है, और उस ऑक्सिलरी इक्वेशन से फिर मुझे रूट्स फाइंड आउट करने हैं, और फिर रूट्स की नेचर देखनी है कि रूट्स क्या मेरे पास रियल आए हैं, अगर रियल आए तो क्या सारे के सारे इक्वल हैं या सारे के सारे अनइक्वल हैं। अगर इक्वल है तो उसको लिखने का तरीका बताया था, अगर अनइक्वल है तो लिखने का तरीका बताया था, और सपोज़ कीजिए रियल नहीं आया कॉम्प्लेक्स पेयर में आ गए तो उसको लिखने का तरीका भी आपको मैंने बताया। तो अब मैं यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस सभी तरह के एक एक बार डिस्कस कर लेंगे कि जब अगर इक्वल रूट्स आ रहे हैं रियल के या अनइक्वल आ रहे हैं या कॉम्प्लेक्स पेयर में आ रहे हैं और कॉम्प्लेक्स पेयर में भी रिपीटेड आ रहे हैं, रिपीटेड मतलब इक्वल, ठीक है। तो मैं यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स लेता हूँ, स्टार्ट करते हैं सबसे आसान से। कई कई बार आपको इक्वेशन ऑलरेडी सिंबॉलिक फॉर्म में दी हुई होगी, ये जैसे पहला पहली तो मैं आपको उसमें लिख देता हूँ आसान सा क्वेश्चन में, d2 से स्टार्ट करता हूँ, d2y / dx²
माइनस थ्री डी वाई बाई डी एक्स माइनस फोर वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सबसे पहले तो मैं इसको इन सिंबॉलिक फॉर्म लिखूंगा, इन सिंबॉलिक फॉर्म लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, ये डी टू वाई माइनस थ्री डी वाई माइनस फोर वाई इक्वल टू जीरो। तो जो अभी मैंने आपको बताया था रूल्स फाइंडिंग के लिए, तो सबसे पहले हम दी गई इक्वेशन को हमारे संकारक रूप में लिखेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने फिर बताया था कि डी टू माइनस थ्री डी माइनस फोर इस वाई को बांट लिया था इक्वल टू जीरो, तो ये जो अंदर वाला पार्ट था इसको मैंने कहा था ऑक्सिलरी इक्वेशन, यानी मेरी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो गई, डी स्क्वायर माइनस थ्री डी माइनस फोर इक्वल टू जीरो। मैंने डी के लिए क्या कहा था कि अब मैं इसको एक बीजीय व्यंजक के रूप में यूज़ करूँगा, तो ये मेरे पास क्या हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन डी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन डी हो गई। इसका मतलब इसके दो फैक्टर्स आएंगे, दो घात के समीकरण, तो दो इसके आपके यहाँ सॉल्यूशन आएंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो मेरे पास देखिए इसकी आती है सॉल्यूशन, डी माइनस फोर एक सॉल्यूशन आ जाएगा और डी प्लस वन इक्वल टू जीरो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके देख लेना, फोर तो ये आ जाएगा फोर माइनस फोर डी प्लस डी माइनस फोर, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास दो सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो यहाँ से मैं देखता हूँ डी की वैल्यू एक चार आ रही है और एक मेरे पास माइनस वन आ रही है, यानी फोर को मैंने एम वन मान लिया, इसको एम टू मान लिया, या इसको एम वन एम टू मान सकते हैं। तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सी वन ई रेस्ट टू द पावर, एम की जगह मैंने ये रख दिया, सी टू ई रेस्ट टू द पावर, ये मेरा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। सी वन सी टू आपके पास कॉन्स्टेंट है, ऐसा नहीं है कि आप इसको बाद में लिखो इसको पहले लिखो, आप इसको इस रूप में भी लिख सकते हो, सी वन ई रेस्ट टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी टू ई रेस्ट टू द पावर फोर एक्स, दोनों ही आपके पास सॉल्यूशन है, क्योंकि सी वन सी टू तो आपके पास कॉन्स्टेंट है, आप वैल्यू पीछे कैसे भी लिख सकते हो। अब हम इक्वेशन को थोड़ा सा सेकेंड, मतलब क्वाड्रेटिक नहीं होके क्यूबिक लिखते हैं, क्योंकि क्यूबिक में हमारे पास तीन रूट्स आएंगे, उसमें हो सकता है कि कोई कॉम्प्लेक्स रूट बन रहा हो, तो एक और मैं ऐसा ही ले लेता हूँ, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए बी वाई इक्वल टू जीरो, इन सिंबॉलिक फॉर्म, इन सिंबॉलिक फॉर्म। ये मेरा सिंबॉलिक फॉर्म में आ गया। फिर इसके बाद हम क्या करते थे, इसको ये लिखते थे और फिर अंदर वाला पार्ट होता था, तो हैंस दी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो गई, डी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी डी प्लस ए बी इक्वल टू जीरो, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गई ना, इक्वल टू जीरो के बराबर है। तो यहाँ से देखिए फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डी आ गया, लेकिन ये देखिए कितनी अच्छी फॉर्म आई है कि जब भी हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, क्या लिखते हैं, मूलों का योग, सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाई बाई एक्स, प्लस यहाँ लिखते हैं मूलों का गुणन, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू जीरो। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब है ए और बी मेरे पास आ रहा है पॉजिटिव, पॉजिटिव ही आ रहा है, तो या ए और बी मे बी पॉसिबल बोथ आर पॉजिटिव, या ए और बी बोथ आर नेगेटिव, ठीक है, तो पॉजिटिव हो जाएगा वापस से। ये तो हो ही नहीं सकता है कि ए आपके पास नेगेटिव हो और बी आपके पास पॉजिटिव हो, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा। इसका मतलब मेरे को अब ये चेक करना है कि मेरे पास या तो ए और बी दोनों पॉजिटिव है या ए और बी दोनों नेगेटिव है, तो उसकी तहकीकात मैं यहाँ से करूँगा कि यहाँ देखिए मेरे पास पॉजिटिव आ रहा है जबकि यहाँ ये कहता है नेगेटिव आना चाहिए। इसका मतलब यहाँ जब मैं सपोज़ कीजिए अगर मेरे पास यहाँ माइनस और माइनस हो, तो माइनस कॉमन ले लूँगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो जो मेरी ओरिजिनल इक्वेशन उससे मैच कर जाएगा, यानी मैं इसके अब फैक्टर आँख मीच के लिख सकता हूँ डी प्लस ए और डी प्लस बी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से मेरे पास रूट्स क्या आ गए, डी इक्वल टू माइनस ए एंड माइनस बी, तो ये नेगेटिव आ गए, नेगेटिव आने से ये इस इक्वेशन से ये इक्वेशन मेरी फुलफिल हो रही है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर इसका जब कंप्लीट सॉल्यूशन लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, सी वन ई रेस्ट टू द पावर माइनस ए एक्स प्लस सी टू ई रेस्ट टू द पावर माइनस ऑफ बी एक्स, दिस इज दी सी एस कम्प्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। अब प्रैक्टिस के लिए दूसरी इक्वेशंस भी लेते हैं जिसमें कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट आते हैं या क्या आता है,
अब थोड़ा सा इसका स्तर बढ़ाते हैं क्वेश्चन का। अब आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला दे रहा हूँ मैं। डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब माइनस 9 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 23 डी वाई बाई डी एक्स माइनस 15 वाई इक्वल टू जीरो। अगर इक्वेशन हमको सिंबॉलिक फॉर्म में नहीं दी हुई है तो पहले सबसे पहले इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। डी क्यूब वाई माइनस 9 डी स्क्वायर वाई प्लस 23 डी वाई माइनस 15 वाई इक्वल टू जीरो। फर्स्ट वी कन्वर्ट आवर गिवन इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म, देन डी क्यूब माइनस 9 डी स्क्वायर प्लस 23 डी माइनस 15 वाई इक्वल टू जीरो। जो हम आर्टिकल में पढ़े वही हम यहाँ कर रहे हैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। अब मेरे को ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है, तो ये जो अंदर वाला पार्ट है ये मेरी ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी। डी क्यूब माइनस 9 डी स्क्वायर प्लस 23 डी माइनस 15 इक्वल टू जीरो। और डी ट्रीटेड एज ए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और अब इसको क्यूबिक इक्वेशन हो गई डी, यानी मेरे पास डी के तीन मान आएंगे। अब मेरे तीन मान क्या आएंगे मुझे नहीं पता कि सारे के सारे धनात्मक रियल आएंगे या ऋणात्मक रियल आएंगे या पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स आएगा, मे बी पॉसिबल कुछ भी आ सकता है। तो सबसे पहले हम इसका एक फैक्टर ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये है 9 और 24, यानी डी इक्वल टू 1 सीधा ही दिख रहा है। अगर मैं डी इक्वल टू 1 इस इक्वेशन में रखता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस 9 प्लस 23 माइनस 15 दिस इज इक्वल टू जीरो। 15 और 5 20 24 प्लस का 24 इक्वल टू जीरो। इसका मतलब डी माइनस 1 जो है वो मेरा एक फैक्टर हो गया किसका, इसका, ठीक है। डी माइनस 1 जो है मेरा एक फैक्टर हो गया दिए गए का। तो अब मैं पुरानी टेक्निक से तो जानता हूँ कि डी माइनस 1 का इसमें भाग दे दूँ तो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ जाएगी, लेकिन मैं हम आपको यहाँ पर एक सिंथेटिक डिवीजन मेथड और बताते हैं, उससे आसान हो जाता है। जो मेरे पास क्यूबिक इक्वेशन है उसके मैं ओनली कोफिशिएंट लिखूँगा, यानी डी क्यूब का मतलब इसका कोफिशिएंट हो गया 1, इसका हो गया माइनस का 9, इसका हो गया प्लस का 23 और ये माइनस का 15, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर क्या आया था, डी इक्वल टू 1 आया था, तो मेरे को यहाँ 1 रखना है, ये 0 आएगा इसके नीचे, दोनों को ऐड करूँगा तो 1 आएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये 1 चला जाएगा, ये बचेगा माइनस का 8, ये वापस से इससे मल्टीप्लाई होगा और यहाँ जाएगा ये माइनस का 8, ये कितना बचा 15, ये 15 वापस इससे ऐड होगा, ये 0 आ जाना चाहिए मेरे पास। तो अभी ये जो मेरे पास कोफिशिएंट आया है ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा, ये एक्स का हो जाएगा और ये कांस्टेंट हो जाएगा, यानी मेरे पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 15, ठीक है। और डी माइनस 1 मेरे पास ऑलरेडी एक और आ रहा था यहाँ पर, तो ये मैं डी में लिखूँगा दिस इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास अब आपके पास क्या हो गया, डी स्क्वायर माइनस 8d प्लस 15 और डी माइनस 1 इक्वल टू 0, ये मेरे पास इसके फैक्टर बन के आ गए। तो अब मुझे इसको जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, वो मेरे को यहाँ से दिख रहा है कि 15 है, तो मैं इसको किस तरीके से कर सकता हूँ, 5 और 3 में तोड़ के 15 बना सकता हूँ। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, मेरे पास यहाँ तीनों के तीनों ही रियल रूट्स नज़र आ रहे हैं, तो अब मैं इसको यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। देखिए डी माइनस 1 8 था, फिर आया था डी स्क्वायर माइनस 8d कितना था, शायद प्लस का 15 ही था, इक्वल टू 0, ठीक है। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गई मेरे पास, दिस इज़ दी ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो अब मैं इसके रूट्स करता हूँ, तो उसके सॉरी को फैक्टर्स करता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा, मैंने अभी बताया था ना 15 5 या 15, यानी एक तो मेरे पास आएगा और एक आएगा ये इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास डी की वैल्यू कितनी आ गई, 1, 3 और 5, तीनों की तीनों मेरे पास क्या आ गई, रियल और पॉजिटिव आ गई, ठीक है। तो अब इसका सी एस जो है वो किस तरीके से हो जाएगा, वाई वन इक्वल टू सी वन ई रेस्ट टू द पावर एक्स प्लस सी टू ई रेस्ट टू द पावर थ्राइस ऑफ एक्स प्लस सी थ्री ई रेस्ट टू द पावर 5x, दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है।
तो सबसे पहले तो हमको इक्वेशन जो है उसको सिंबॉलिक फॉर्म में रखना है, फिर उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी है, और ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल के उसके फैक्टर्स करने हैं, और ये कोशिश हो कि फैक्टर्स हमारे पास आसानी से आ जाए तो ठीक है, और नहीं तो फिर हमारे को वो श्रीधराचार्य नियम से अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपली सॉल्व नहीं होती है तो फिर हम उससे सॉल्व करेंगे। अब थोड़ा सा लेवल आपके क्वेश्चन का बढ़ाता हूँ मैं, कि अब हम थोड़े कॉम्प्लेक्स रूट्स वाले भी लेके आते हैं क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है आपके पास, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए D4। अब इस क्वेश्चन में वैसे ही बहुत काम है तो मैंने आपको सीधा सिंबॉलिक फॉर्म में लिख के दे रहा हूँ, D4 + 2D³ + 3D² + 2D + 1 y = 0। प्लस का 2D + 1 y = 0 ये मेरे पास है, ठीक है। 2, 3 और ये सारे सारे कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट की इक्वेशन हमको दिख ही रही है, ठीक है। और अब यहाँ से मैं अगर इसके डायरेक्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखता हूँ तो मेरे पास है D4 + 2D³ + 3D² + 2D + 1 = 0। अब मुझे इसके फैक्टर्स करने किसी भी तरीके से, यानी डी के चार मान आएंगे यहाँ पर, फोर घात में आपके पास इक्वेशन लिखी हुई है, तो इसको देखिए इस टाइप से तोड़ते हैं, D4 + 2D³ + इसको मैं तोड़ रहा हूँ, देखिए एक तो डी स्क्वायर में तोड़ दिया, इसको अलग कर दिया, और इस तीन में से अब 2D² और बचा उसको मैंने इसके साथ ही रखा। ये वाला आपको नोट करना है, देखिए कि मैंने कैसे किया है और उसके पीछे तरीका क्या है। देखो ये मेरे पास हो गया D² + 2D² D + D² ऐसे लिख सकता हूँ ना इस इक्वेशन को। वैसे तो आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, आपको इतना तो आना भी चाहिए। 2 को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा D² + D + 1 = 0। मैं 2D को भी कॉमन ले सकता था, क्यों? क्योंकि मेरे पास यहाँ देखिए मेरे पास ये बन रहा है D² + D² बना कि नहीं बना, A² + 2 times of AB, बी मेरे पास D है तो A + B² बन गया, +2D² + D + 1 = 0, ठीक है। तो अब मैं अगर यहाँ से इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास किसका बनेगा, ये दिस इज A² + 2AB, तो ये मेरे पास बन जाएगा D² + D + 1 होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। इस पूरे को ट्रीटेड एज ए एक्स ले लो, इसको वाई ले लो, X² ये रहा, Y² ये रहा, 2 times of XY करोगे ये आ रहा है, This is equal to 0। इसका मतलब दो आपके पास इसके सॉल्यूशन आ रहे हैं, D² + D + 1 = 0। यानी जब इसको इक्वल टू जीरो करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब रियल रूट्स तो आएंगे नहीं, आपके पास कॉम्प्लेक्स में आएगा। तो जब आप इसको सॉल्व, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर नहीं सॉल्व हो रही है तो आपके पास ये नियम है ना, D = -B + √B² - 4AC/2A। ए आपके पास ये होता है, बी ये है और सी ये है, ठीक है। एंड सिंपली ये भी अगर इक्वल टू जीरो है तो दोनों ही सेम आ रहे हैं, तो एक को सॉल्व कर लेते हैं। बी की वैल्यू यहाँ पर है आपके पास 1 + -B² का मतलब हो गया 1 - 4। ए और सी सबके कोफिशेंट सेम है, और 2A का मतलब 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, -±√3/2। माइनस है ना, माइनस रूट का मतलब आयोटा बाहर आ जाएगा, √3। तो डी के अब मेरे पास मान क्या रहे, -1/2 + -√3/2, एक ये आ रहा है, यही वापस रिपीट कर रहा है, यानी आपके पास 4 रूट आ गए, 4 घात के समीकरण थी और रिपीट कर रहे हैं और कॉम्प्लेक्स रूट है। तो अब इसका सी एस कैसे लिखोगे, y = e^(α), एल्फा आपके पास क्या है, -1/2 x। और जब रिपीट करते थे कॉम्प्लेक्स रूट तो आप कैसे लिखते थे, c1 + c2 x cos β, β = √3/2 x +
सी थ्री प्लस सी फोर एक्स साइन ऑफ रूट थ्री बाई टू एक्स, दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में सबसे ज़्यादा ध्यान देने की बात है कि इसके फैक्टर्स कैसे बनाएंगे, क्योंकि यह डी का भी कुछ भी मान रख के देखेंगे हमारे को सेटिस्फाइड ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब ये रियली नहीं है तो हम सेटिस्फाइड कर ही नहीं पाएंगे कि भाई डी का मान वन रखें, माइनस वन रखें, हाफ रखें, माइनस हाफ रखें। तो हमने इसको सबसे पहले जैसे ही डी फोर दिखा, टू डी क्यूब दिखा, तो हम इसको होल स्क्वायर बनाने की कोशिश की, फिर यहाँ से टू बचा तो थोड़ा सा दिमाग में इमीजिएट आना चाहिए, फिर मैंने यहाँ डी को भी कॉमन नहीं लिया क्योंकि मेरे पास यहाँ इसका होल स्क्वायर बन रहा था। तो ये पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम्पल में, ये हो जाएगा जब, तो उसके बाद तो सारा काम आसान है नीचे का। तो चलिए, ये तो वो क्वेश्चन था जब आपके पास सारे के सारे कॉम्प्लेक्स में आ गया था, और वो भी आपके पास दो रिपीटेड आ गए थे रूट्स। अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं जिसमें रिपीटेड नहीं आए, कुछ रियल आ जाए, कुछ कॉम्प्लेक्स रूट आ जाए, ऐसा एक आध क्वेश्चन देखता हूँ मैं। अच्छा क्वेश्चन मिले तो देखो, ये है सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं वापस से, डी क्यूब माइनस का डी स्क्वायर माइनस डी माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो। ये मैंने इक्वेशन लिखी है, यहाँ से सीधा मैं इसकी ऑक्सिलरी सहायक समीकरण लिख सकता हूँ, डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर माइनस डी माइनस टू इक्वल टू जीरो। अब हम देखो यहाँ से डी की वैल्यू को क्या सब्स्टिट्यूट करूँ कि ये सेटिस्फाइड हो जाए, डी को वन रखने से नहीं होगा, माइनस वन रखने से नहीं होगा, टू टू रखते हैं, देखो टू एट माइनस टू फोर माइनस टू माइनस टू हाँ इक्वल टू जीरो, यानी डी इक्वल टू टू रखने से मेरे पास सेटिस्फाइड हो रही है। तो डी माइनस टू जो है इसका एक फैक्टर हो गया। अब क्यूबिक है के, तो अभी मैंने आपको सिंथेटिक डिवीजन क्या बताया था, ये जो मेरे पास रूट आया इसको तो मैं रख दूंगा यहाँ टू, इसके कोएफिशिएंट को यहाँ रखूँगा वन माइनस वन माइनस वन माइनस टू, इसके नीचे रखते हैं हम जीरो, दोनों को हम वर्टिकली जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो वन, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टू वन जा टू, इसको यहाँ रखा, यहाँ से मेरे पास प्लस का वन है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया टू, टू का मतलब हो गया वन, ये टू, ये मेरे पास जीरो हो जाना चाहिए। अब मेरे पास क्या बच गया, ये डी स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये डी, ये प्लस वन, और एक मेरे पास ये था ही, दिस इज इक्वल टू जीरो, ये इसके फैक्टर होके आ गए मेरे पास। और जब ऑक्सिलरी इक्वेशन के फैक्टर होके आ जाते हैं तो फिर मैं उसको आराम से उसके रूट्स निकाल सकता हूँ। तो अब ये देखिए, ये जस्ट हम अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ के आए, जब इसको हमने किया था तो मेरे पास क्या रूट्स आए थे डी के, डी इक्वल टू माइनस वन बाई टू प्लस माइनस आयोटा रूट थ्री बाई टू, ये आया था जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में, और एक रूट आपके पास आ रहा है टू। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, इसमें एक तो रियल रूट आ रहा है और एक पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट, ठीक है। तो इसका जब कंप्लीट सॉल्यूशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, सी वन ई रेस टू द पावर टू एक्स, ठीक है, फिर लिखोगे ई रेस टू द पावर माइनस वन बाई टू एक्स सी टू कॉस ऑफ रूट थ्री बाई टू एक्स प्लस सी थ्री साइन रूट थ्री बाई टू एक्स, दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। इस टाइप से ये मेथड बहुत आपको आसान रहेगा, अगर हम वो भाग देके करते हैं उसमें टाइम भी ख़त्म होता है और गलती के चांसेस भी रहते हैं, या गलती तो बिल्कुल जीरो के बराबर हो जाएगी, क्योंकि सबसे पहले जब आप इसके कोफिशिएंट लिखो तब ध्यान से लिखना, अगर कोई कोफिशिएंट आपके पास मिसिंग है तो उसकी जगह आपको उसका कोफिशिएंट जीरो लिखना पड़ेगा। सपोज कीजिए यहाँ डी स्क्वायर नहीं होता तो मैं यहाँ पर जीरो लिखता, ठीक है ना, तब जाके मेरे पास ये क्यूबिक से क्वाड्रेटिक में आपके पास आती है। अब एक इक्वेशन, अभी तक जितने भी मैंने सॉल्यूशन निकाले थे वो सारे के सारे मेरे पास कौन से सॉल्यूशन थे, जनरल सॉल्यूशन, जिसको मैं कंप्लीट सॉल्यूशन तो कह रहा हूँ बट वो सारे सारे जनरल सॉल्यूशन थे, क्योंकि सबसे पहले लेक्चर में मैंने आपको टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में भी बताया था कि जब हमारे पास हमारे सॉल्यूशन में अगर कॉन्स्टेंट रहते हैं
तो वो जनरल सॉल्यूशन होता है। लेकिन हमारे पास कुछ कंडीशंस देने पे अगर हमारे वो कांस्टेंट हट जाते हैं, कांस्टेंट की वैल्यूज हम निकाल लेते हैं, तो ऐसे सॉल्यूशन हमारे पास कहलाते हैं पर्टिकुलर, विशेष हल, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो अब एक क्वेश्चन आपको मैं कराता हूँ जिसमें कंडीशंस भी दूंगा जिससे कि आप उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल पाओ। तो ये मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, सॉल्व d2x बाय dt स्क्वायर माइनस 3dx बाय dt प्लस 2x इक्वल टू जीरो। गिवन है आपको, गिवन दैट व्हेन t इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो एंड dx बाई dt इक्वल टू जीरो। ये जो मैं कंडीशन लिख रहा हूँ ना, ये कंडीशन मेरे c1 c2 को निकालने के लिए काम आएगी, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो दो इसके कांस्टेंट आएंगे। जितने ऑर्डर की इक्वेशन होती है उतने उसके कांस्टेंट्स आर्बिट्री कांस्टेंट्स होते हैं, ये हमने चैप्टर हमारे लेक्चर 2 में भी देखा था, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे इसको सिम्बॉलिक फॉर्म में रखना है। तो इसको इक्वेशन को सिम्बॉलिक फॉर्म में रखूँगा, तो मैं अभी फ़िलहाल d2x माइनस 3dx प्लस 2x इक्वल टू जीरो, या मुझे मेंशन करना पड़ेगा d इक्वल टू क्या है, d बाय dt, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t मैं को यहाँ डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। तो जो अगर x का आएगा तो x का डेरिवेटिव कहलाएगा, जैसे x इस पे ऑपरेंड हो जाएगा ऑपरेटर पे, तो ये डेरिवेटिव अगर आपका x के साथ करोगे तो ये x का डेरिवेटिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू t। चलिए ये हो जाएगा। उसके बाद अब हम इसको रखेंगे डी स्क्वायर माइनस का 3d प्लस 2x इक्वल टू जीरो। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन मेरे पास क्या आ गई, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इक्वल टू जीरो। ये मेरे पास सीधे सीधे दो इसके आपके फैक्टर्स हो रहे हैं, डी माइनस 1 और डी माइनस 2, दिस इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो d इक्वल टू मेरे पास आ गया 1 एंड 2। तो जनरल सॉल्यूशन जो होगा वो हो जाएगा y इक्वल टू c1 e रेस्ट टू द पावर x प्लस c2 e रेस्ट टू द पावर 2x। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि अब मैं इन कंडीशंस को यूज़ करूँगा। पहली कंडीशन वो कह रहा है व्हेन t इक्वल टू जीरो, ये y में नहीं आएगा, ये इक्वेशन मेरी dx में लिखी हुई है। तो सॉल्यूशन जो आएगा वो x आएगा और यहाँ t आएगा। इन जनरल हम लिखते हैं तो यही गलती हो जाती है क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू यहाँ t है, तो वहाँ dy बाई dx होता था तो हम इसको x लिख देते थे, ये t आएगा। इस टाइप से मिस्टेक हो जाती है, तो थोड़ा ध्यान रखें ये x इक्वल टू, क्योंकि dx बाई dt में ना, तो ये सॉल्यूशन आएगा x, ये आ जाएगा t। अब ये कंडीशन दे रहा है व्हेन t इक्वल टू जीरो x इक्वल टू जीरो, पहली कंडीशन लगाऊं मैं तो इक्वेशन नंबर 1 में अगर पहली कंडीशन लगाऊं x इक्वल टू जीरो का मतलब जीरो, t इक्वल टू जीरो करूँगा तो c1 प्लस c2, ये इक्वेशन नंबर 2 कर लो। इसमें क्या है, t इक्वल टू जीरो x इक्वल टू जीरो, ये गिवन है आपके पास, ठीक है। अब दूसरी कह रहा है dx बाई dt, तो मेरे को इस इक्वेशन नंबर 1 को विद रिस्पेक्ट टू t पहले डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो मैं करूँगा dx बाई dt, इसका लेफ्ट हैंड साइड तो ये हो गया, राइट हैंड साइड में क्या e रेस्ट टू दी पावर t है, तो ये 1 c1 e रेस्ट टू दी पावर t प्लस 2 c2 e रेस्ट टू दी पावर 2t, e रेस्ट टू दी पावर इसका यही होगा डिफरेंशियल, ठीक है। अब वो कंडीशन लगाते हैं व्हेन t इक्वल टू 0 dt बाय dx बाय dt इक्वल टू 0, देन लेफ्ट हैंड साइड अगेन 0, और जब इधर t को मैं 0 रखूंगा तो यहां देखिए c1 प्लस 2c2। तो जब इक्वेशन नंबर 2 और 3 को मैं सॉल्व करूंगा, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा c1 इक्वल टू c2 बोथ आर 0, करके देख लीजिए, इसको माइनस कर दो तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, c2 इक्वल टू 0, c2 की वैल्यू यहाँ 0 रखो तो c1 इक्वल टू 0। ये जब आपके पास आया तो अब जो मेरा सॉल्यूशन जो आया था इक्वेशन नंबर 1 में, अगर c1 c2 की वैल्यू रखूँ तो दिस इज़ दी पर्टिकुलर सॉल्यूशन x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन एंड x इक्वल टू दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। ये फ़र्क है हमारे पास पर्टिकुलर और जनरल सॉल्यूशन में।
तो जब आपके पास अगर ये कंडीशंस इनिशियल कंडीशंस दी हुई होती है तो आप सॉल्यूशन को पर्टिकुलर सॉल्यूशन में निकाल सकते हो, और जब यहाँ तक ही क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप बस इसको यहीं पे ही ख़त्म कर दोगे जनरल सॉल्यूशन तक। ठीक है, अब हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे वाले पढ़ेंगे। आवश्यक नहीं कि हमारे पास यहाँ अब जीरो हो, हमारे पास यहाँ फंक्शन ऑफ एक्स भी बन सकता है। ठीक है, जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन में हम पढ़े थे ना, ए जीरो डी एन वाई बाई डी एक्स वाला जो पढ़े थे लास्ट में, दिस इज इक्वल टू कैपिटल एक्स, वहाँ पर हमने कैपिटल एक्स इक्वल टू कहा था सम फंक्शन ऑफ एक्स। तो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम उससे आगे वाले पढ़ेंगे जिसमें हमारे पास फंक्शन एक्स के कौन कौन से आते हैं और उनको जिस फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग उसके क्या नियम है उनको सॉल्व करने के लिए।